हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। तो जैसा कि गाइस, आज हम चलते हैं रांची की हिडन प्लेस में, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। ये रास्ता को मत देखिए, अब देखिए यहाँ से ये रास्ता कितना ज़्यादा खूबसूरत है, और जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो प्लेस इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो चलिए फटाफट ये गाड़ी को ओवरटेक करने देते हैं, उसके बाद हम लोग निकलते हैं अपने हिडन प्लेस को घूमने के लिए, जो कि होने वाला है रांची का एक हिडन प्लेस। तो जैसा कि हम लोग ये गांव, ये पतली रोड और ये मोड़ को पार करते हुए वो जगह में पहुंचने वाले हैं। तो जैसा कि देखिए आगे वो नज़र आने लगा है, तो हम लोग चलते हैं इस पहाड़ पे, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ये पहाड़ का एक खासियत ये है कि इस पहाड़ पे हम लोग गाड़ी को भी ले जा सकते हैं, चाहे वो सफारी हो या देख सकते हैं सफारी का ऑफरोडिंग टेस्ट होते हुए पूरा पहाड़ में गाड़ी को चढ़ाया जा रहा है बंदा। पैसे टाटा है, पॉसिबल है, देख सकते हैं कहाँ ले गया गाड़ी, हम लोग कहाँ है अभी। देखिए 015 में दिखाता है वो कहाँ चल गया, दिख भी नहीं रहा है। बहुत मज़ा, गजब गजब। तो जैसा कि गाइस आप सब ने देखा कैसे सफारी ऑफरोड करते हुए ऊपर चढ़े गई, और हम लोग अभी यहाँ पे रुके हुए हैं कुछ खाने के लिए। उसके बाद देखिए ये गेट है, यहाँ का मेन गेट, इस जगह का नाम है, आगे बताते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो देखिए यहाँ से हम लोग धीरे धीरे स्कूटी चढ़ाए जा रहे हैं पहाड़ पे। जैसा कि आप लोग को फोन में सकता है उतना पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक चढ़ान है, क्योंकि दिस इज कॉल्ड पहाड़। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ तो देख सकते हैं ये पहाड़ में धीरे धीरे करके हम लोग स्कूटी चढ़ा रहे हैं। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा तेज हवा भी चल रहा है, जैसे कि आप लोग को पता चल ही रहा होगा। ये एरो के निशान इसलिए दिया हुआ है क्योंकि हम लोग को इधर ही से जाना है, क्योंकि इधर उधर से जाते हुए पता चला इधर उधर पहुंच गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए सफारी जा रहा था वो यहाँ पे आके लगा हुआ है, और भी एक दो गाड़ी लगा हुआ है। और ये रांची से मात्र 15 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे आप लोग आइए और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। देख सकते हैं क्या ही खूबसूरत, अभी हम लोग पहाड़ के ऊपर है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ये लोग इतने लोग दिख रहे हैं, सब सफारी से आए हुए वाले लोग हैं। और यहाँ पे ऊपर एक बहुत खूबसूरत मंदिर भी बन रहा है, यहाँ से आप नज़ारा देखोगे तो एकदम सिक्किम शिमला मनाली वाला नज़ारा फील होगा। तो चलिए हम लोग फिलहाल अभी स्कूटी से ही आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोग देख सकते हैं रास्ता कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा चलाने में स्कूटी को, आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। और बारिश तो होने रहा है, लेकिन पता नहीं लड़की लोग छाता क्यों ली हुई है, आपको समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे ऊपर में एक कुंड भी है, जैसे कि हम बोले मंदिर बनने वाला है, इसलिए यहाँ पे एक कुंड भी है जहाँ पे पूजा होगा। अब मंदिर शुरू होने के बाद ये जगह और फेमस हो जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ हम लोग ही जानते हैं और कुछ लोग ही जानते हैं इस जगह के बारे में। तो आप लोग रांची से आइए और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइस जैसा कि इस पहाड़ का नाम है मरसिल्ली पहाड़, जिस पे आप लोग कोई भी गाड़ी से आए ऊपर गाड़ी से ही आ सकते हैं, इस पे कोई ट्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठहरने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा खूबसूरत मंदिर बनने का तैयारी भी चल रहा है, आप लोग आके दिखाएंगे। फिलहाल आप लोग नज़ारा का आनंद लीजिए। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यहाँ हम लोग तीनों पहाड़ पे स्कूटी चलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और देख सकते हैं कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा हम लोग को, सोचिए आप लोग भी। अब देखिए इधर से इतना ढलान है, अब गाड़ी से उतर रहे नीचे धीरे धीरे ब्रेक मारते हुए। गाइस आप लोग बताइए आप लोग कैसा लगा ये पहाड़, मरसिल्ली पहाड़, जो कि बरियातू में है, बरियातू रांची। देख सकते हैं स्कूटी कैसे चढ़ रहा है ऊपर, इतना ज़्यादा चढ़ान है। और साइड साइड में देखिए बहुत ही ज़्यादा घना जंगल, पूरा दूर तक का व्यू एकदम शिमला मनाली वाला व्यू आ रहा है यहाँ से, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक साइड से पहाड़, एक साइड से नज़ारा ही नज़ारा। गाइस हम लोग आए हुए अभी रांची हिडन हिल में, देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा खूबसूरत शांति, मसीली पहाड़।
बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग गाड़ी से भी आ सकते हैं, कार हो या बाइक आराम से ऊपर ला सकते हैं, पूरा ऊपर तक। चलिए आप लोग दिखाते हैं, अभी हम लोग गाड़ी से ही आए हुए ऊपर। अब मेरे पीछे देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, दूर दूर तक नज़ारा। देख सकते हैं गाइस, व्हाट अ वंडरफुल नज़ारा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ पे आने के बाद इतना अच्छा लगता है कि लगेगा यहीं रहे। देख सकते हैं, और देखिए एक स्कूटी से ऑफ रोडिंग करते हुए बिट्टू, जो कि पूरा चढ़ान में पहाड़ पे स्कूटी को चलाया जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इस पहाड़ के दूसरी ओर, कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए। जैसा कि बताए, बहुत ज़्यादा बड़ा है ये पहाड़। सामने देख रहे हैं मंदिर बन रहा है, वो मंदिर बनने के बाद ये जगह और भी फेमस हो जाएगा। और यहाँ पे शिव शंकर जी का भी बना हुआ है शिवलिंग, वीर बजरंग बली का भी मंदिर बना हुआ है, और एक और मंदिर बड़ा सा बनाया जा रहा है। देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है सामने, एकदम ढलान एक साइड से है, एक साइड से प्लेन है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। आप लोग जाइए ब्रांची बरियातू में, इस मसली पहाड़ को इन्जॉय कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। देख सकते हैं आगे, उधर भी हम लोग चलेंगे अभी ढलान की तरफ। और ये देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए, और बारिश में क्या ही ज़्यादा मज़ा आता हुआ इस जगह में, बता नहीं सकते हैं। अभी हम लोग आए थे, समय थोड़ा था धूप, तो धूप होने की वजह से उतना ज़्यादा नज़ारा है भी नहीं दिखा। लेकिन धूप नहीं रहेगा अगर, तो पूरा वो जो कुहासा वाला नज़ारा होता है वो क्या ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। और ये मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मंदिर बनने के बाद यहाँ पे और ज़्यादा भीड़ होगा, और भी ज़्यादा लोग आएंगे, इस जगह को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो कार्य प्रगति पर है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मंदिर कम्प्लीट होने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे आएंगे आप लोग को सुंदर सुंदर नज़ारा दिखाने के लिए। और एक बार आप लोग नज़ारा को एक्सप्लोर कीजिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा सुंदर। ऐसा यहाँ पे एक बार पहले भी आ चुके हैं, ये मेरा सेकेंड टाइम था, और जब आते हैं तब यहाँ पे लगता है बस यहीं बैठे रहे। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, देख सकते हैं ये पहाड़ कितना सुंदर लग रहा है। बारिश में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, लेकिन बारिश में चक्का स्लिप होने का भी डर है। देखिए हम लोग अभी नीचे उतर रहे हैं, देख सकते हैं कैसा पहाड़ है, पूरा से ढलान। हम लोग चलते हैं अभी नीचे, क्योंकि बिट्टू आगे वेट कर रहा, वो रहा बिट्टू का स्कूटी और बिट्टू, तो हम लोग जाना है वहीं पे। लेकिन हम लोग नीचे उतर के नीचे तरफ से जाएंगे, और देखिए कितना ज़्यादा ढलान है, बहुत बच बच के संभल संभल के चलना पड़ रहा है। अगर गिर गए तो फिर वो वाला मीम लगाना पड़ेगा, देखा अपने परवाही का नतीजा। तो चलिए पहुँचते हैं बिट्टू के पास, क्योंकि बहुत देर हो गया है, अब हम लोग शायद निकलेंगे यहाँ से। अभी गिरते गिरते बचे हैं एक बार, वरना मीम लगाने का नौबत आ ही जाता। देखिए कितना ज़्यादा चढ़ान है मेरा उस साइड, और इस साइड पूरा ढलान है, उस साइड पूरा चढ़ान है, सेंटर में हम चल रहे हैं। तो गाइस चलिए, आइए आप लोगों को ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब जो भी नहीं किया अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से निकलने का तैयारी करते हैं, क्योंकि पहाड़ बहुत बड़ा है, और पहाड़ में गाड़ी धीरे धीरे चलाना पड़ेगा, और धीरे धीरे गाड़ी चला के धीरे धीरे निकलना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।